ग्रुप थ्योरी में आज हम नॉर्मलाइजर को डिस्कस करेंगे। नॉर्मलाइजर को हम एन जी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप एंड एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी, देन द नॉर्मलाइजर ऑफ एक्स इन जी इज डिनोटेड बाय एन जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी बिलोंग्स टू जी एंड जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जी। ठीक है, एक हमारे पास ग्रुप होगा और एक सबसेट होगा उसी ग्रुप में से। ठीक है, हमने क्या करना है कि ग्रुप के एलिमेंट्स को सबसेट के एलिमेंट के साथ परम्यूट कराएंगे और जो परम्यूट कर जाएंगे वो इस नॉर्मलाइजर के सेट में आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास एक ग्रुप गिवन होगा और एक सबसेट गिवन होगा उसी ग्रुप का, तो हम नॉर्मलाइजर को किस तरह डिनोट करते हैं, जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जी। ठीक है, यानी वो जो हमें सबसेट गिवन होगा उस पूरे सबसेट को जी के एक एक एलिमेंट के साथ परम्यूट कराएंगे और जो परम्यूट कर जाएंगे वो इस नॉर्मलाइजर के सेट में आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल करते हैं फिर मज़ीद क्लियर हो जाएगा। एट जी इज इक्वल्स टू एस थ्री के एलिमेंट्स ले रहे हैं, वन ए ए स्क्वायर बी ए बी और ए स्क्वायर बी, और एक एक्स नॉन एम्प्टी सेट गिवन है वन एंड ए, इसमें दो एलिमेंट्स हैं और हमें कहा जा रहा है कि फाइंड करें नॉर्मलाइजर ऑफ द ग्रुप, फाइंड एन जी ऑफ एक्स। ठीक है, हमने क्या करना है, ग्रुप के अंदर सिक्स एलिमेंट्स मौजूद हैं, हमने एक एक एलिमेंट को लेके और इस सबसेट के साथ परम्यूट कराना है और चेक करना है कि ये परम्यूट हो रहे हैं या नहीं। तो पहले एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट वन बिलोंग्स टू, फर्स्ट एलिमेंट मैं ले रही हूँ, लेट वन बिलोंग्स टू एस थ्री और वन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वन। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो वन को अगर मैं एक्स के लेफ्ट साइड से कराऊँ या वन को राइट साइड से, तो वन एक ट्रिवियल केस है, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। ठीक है, वन एक्स इज इक्वल टू एक्स वन। ओके, अब हम ग्रुप का दूसरा मेंबर ले रहे हैं, लेट ए बिलोंग्स टू एस थ्री। ठीक है, अब हमने चेक करना है कि ए एक्स इक्वल है एक्स ए के। ठीक है, लेकिन हमें यह भी पता है कि एस थ्री एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, तो इसको करेंगे ए इंटू वन ए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा ए ए स्क्वायर, और अगर मैं इस को लेफ्ट साइड से कराऊं तो मेरे पास आ जाएगा वन ए। अब मैंने ए को राइट साइड से परम्यूट कराया तो यहाँ से मेरे पास आंसर आएगा ए एंड ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये भी आंसर ये वाला आंसर दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए एक्स जो है वो एक्स ए के इक्वल है। ठीक हो गया, अब ये वाली वन भी इक्वल प्रूव हो रहा था, ए भी प्रूव हो रहा था, तो इसको हम नॉर्मलाइजर के सेट में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आंसर लिख रही हूँ, वन बाय वन हम सारे एलिमेंट्स को चेक करेंगे, एन एस थ्री ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन ए। अब आगे हम चेक करते हैं तो फिर पता चलेगा कि बाकी के भी परम्यूट हो रहे हैं या नहीं। इसके बाद मैं थर्ड वेरिएबल ले रही हूँ, लेट ए स्क्वायर बिलोंग्स टू एस थ्री। ठीक है, अब मैंने ए स्क्वायर को इस सबसेट के साथ परम्यूट कराना है, ए स्क्वायर इंटू वन ए। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। ओके, और अगर मैं ये मेरे पास था ए स्क्वायर एक्स, अब अगर मैं एक्स ए स्क्वायर को लूँ, यानी सबसेट पहले आ जाएगा और ग्रुप का एलिमेंट बाद में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, अब देखें ये आंसर ये भी सेम है, तो ये भी इस नॉर्मलाइजर के सेट में आ जाएगा ए स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर एक्स और एक्स ए स्क्वायर दोनों इक्वल हो चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट वेरिएबल बी ले लेते हैं, लेट बी बिलोंग्स टू एस थ्री। ठीक है, पहले हम बी को लेफ्ट साइड से कराते हैं परम्यूट वन ए के साथ। ठीक है, इसको करूँगी तो क्या आ जाएगा, बी एंड बी ए। ठीक है, बी ए आ जाएगा, बी ए ग्रुप में नहीं है और हम जानते हैं कि बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम
ए स्क्वायर बी लिख देंगे, ठीक है। अब मैं इसको राइट साइड से परम्यूट करा रही हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा बी और फिर ए बी, ठीक है। अब ए बी तो ग्रुप का एलिमेंट है ना, ये देखिए ए बी ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ से हमें क्या पता चला कि बी यहाँ पे जब हमने लेफ्ट साइड से इसको परम्यूट कराया तो आंसर आया बी ए स्क्वायर बी, और यहाँ से आया बी ए बी, ठीक है। तो ये चीज़ इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि बी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एक्स बी, ठीक है। तो ये नॉर्मलाइजर के सेट में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट ए बी और ए स्क्वायर बी को चेक करते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट एलिमेंट ले रही हूँ, अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट ले रही हूँ ए बी, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस थ्री। नेक्स्ट एलिमेंट मैंने ए बी ले लिया एस थ्री से, ठीक है। अब हमने इसको चेक करना है पहले लेफ्ट साइड से, पहले हम सबसेट के लेफ्ट साइड से इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, तो सबसेट है हमारे पास वन ए, ये हो जाएगा ए बी, और ये हो जाएगा, ये हमारे पास है ए बी ए, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं ए बी ए, यहाँ से हमारे पास बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी, ए इंटू ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ए क्यूब आ जाएगा, और ए क्यूब वन के इक्वल होता है, यहाँ से हमारे पास आंसर बी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसी को सबसेट की राइट साइड से परम्यूट कराएंगे तो फिर हमारे पास आंसर आ जाएगा ए बी एंड देन ए स्क्वायर बी, ठीक है। ये ए और ए स्क्वायर बी हमने ऑर्डर को सेम रखा हुआ है, ए स्क्वायर बी, ठीक हो गया। ए बी भी ग्रुप का एलिमेंट है एंड ए स्क्वायर बी भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, ये दोनों आंसर सेम नहीं आ रहे, इसलिए ए बी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स ए बी, ठीक है। अब हम लास्ट एलिमेंट को भी चेक कर लेते हैं। लास्ट एलिमेंट है ए स्क्वायर बी, जो कि एस थ्री से बिलोंग कर रहा है। इसको पहले हम सबसेट की लेफ्ट साइड से परम्यूट कराते हैं, ए स्क्वायर बी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी इंटू एक्स के एलिमेंट्स हैं वन एंड ए, ठीक है। ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी, एंड ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी और ए, ठीक है, क्योंकि एस थ्री में हमने ऑर्डर का खास ख्याल रखना होता है। ए स्क्वायर इंटू बी ए किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी के, यहाँ से ए फोर आ जाएगा इंटू बी, ठीक है। ए क्यूब वन के इक्वल होता है, सिंस ए क्यूब इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। यहाँ से ए क्यूब इंटू ए बी कर लें तो यहाँ से आंसर ए बी आ जाएगा, ठीक है। यानी ए स्क्वायर बी ए ए बी के इक्वल होता है। अब हम ए स्क्वायर बी ए को राइट साइड से परम्यूट कराते हैं, तो सबसेट है वन ए और ए स्क्वायर बी, ठीक है। ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी इंटू, ये हो जाएगा ए क्यूब बी, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब वन है तो यहाँ से बी आ गया, ठीक है। अब देखें, जब हमने लेफ्ट साइड से परम्यूट कराया तो आंसर ये आया, और राइट साइड से ये, दोनों आंसर्स इक्वल नहीं है। सो ए स्क्वायर बी एक्स इज नॉट इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर बी, ठीक है। अब जो परम्यूट नहीं करेंगे वो हम नॉर्मलाइजर के सेट में नहीं लिखेंगे। हमने वन बाय वन ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को चेक किया, हमारे पास आंसर यही आया। फर्स्ट थ्री एलिमेंट जस्ट परम्यूट कर रहे हैं, क्योंकि एस थ्री एक नॉन अबेलियन ग्रुप है, इसलिए इसके नॉर्मलाइजर में ये तीन एलिमेंट्स आ रहे हैं। और नॉर्मलाइजर कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होता, क्योंकि वन हमेशा परम्यूट करता है सेट के साथ, ठीक है। मतलब वन को हम लेफ्ट साइड से परम्यूट कराएं या राइट साइड से, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये भी एक रिमार्क है कि वन के जो नॉर्मलाइजर है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास एक ग्रुप गिवन होगा और एक नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन होगा। हमने वन बाय वन ग्रुप के एक एक एलिमेंट को उस सबसेट के साथ परम्यूट कराना है, लेफ्ट और राइट साइड से वन बाय वन परम्यूट कराना है। जो परम्यूट कर जाएंगे वो हम नॉर्मलाइजर के सेट में लिख देंगे और वही हमारा आंसर होगा। इसी तरह आप कोई भी ग्रुप लेके चेक कर सकते हैं। मैंने ऐसे ही एग्जांपल ली।